स्वागत और हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात खास संक्षेप में आज आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तौकीर अहमद जो कि संबल कांग्रेस पार्टी से सर अध्यक्ष हैं। भाई हम बात करते हैं, सर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो योगी सरकार ने फ्लैट हाउस बंद करने का निर्णय लिया, तो निर्णय लेने के बाद जो लोग बेरोजगार हुए उनका उन्होंने रोजगार की कोई अहम जगह या फिर अहम कह सकते हैं आपकी योगदान दे दिया उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल योगी सरकार का इलेक्शन से पहले एजेंडा था कि बूचड़खाने हम समाप्त कर देंगे। बूचड़खाने योगी सरकार से पहले ही उस पर काम शुरू हो गया था, समाजवादी सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन बूचड़खाने बंद करना ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई सरकार बिना नल लगाए कुएं के पानी पर पाबंदी लगा दे, सेम बूचड़खाना बंद करने का नियम उसी तरीके से। जब सरकार पहले से सिलेंडर मॉडर्न सिलेंडर हाउस नहीं बना पाई तो सिलेंडर हाउस बंद करना, किसी का कारोबार छीनना, ये सरासर गलत है। जो सरकार कारोबार नहीं दे सकती वो तो सरकार छीनने की मतलब ये बात है। तीसरा क्वेश्चन सर, कांग्रेस का जो वर्चस्व है खत्म होता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जो काफ़ी समय से मैं कहूँगा कि युगांतर से आज़ादी के टाइम से ये चली आ रही है। और कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो जिस विचारधारा में आज कमी है। कांग्रेस किसी पार्टी की वजह से, कांग्रेस अपने किसी नियम या कानून की वजह से नहीं, बल्कि उस विचारधारा के लोगों में अब कमी आई है, लोगों की सामाजिकता में कमी आई है, लोगों की धर्म और समाज के प्रति जो सोच हुआ करती थी, अपने देश के प्रति जो सोच हुआ करती थी, उसमें कहीं कमी आई है। लिहाजा लोग कांग्रेस से हटे हैं और तेज रफ्तार से चलने वाली पार्टी हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा अमरनाथ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और खासतौर से मुसलमान और इस्लाम किसी भी धार्मिक यात्रा का विरोध नहीं करता और इंसानियत इस्लाम धर्म में सबसे बढ़कर है। ये जो हमला हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ऐसे लोगों को कोई धर्म नहीं होता। हम इस पर संवेदना व्यक्त करते हुए उसका विरोध करते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अमरनाथ यात्रा पहले की तरह चले। अमरनाथ यात्रा के प्रत्येक व्यक्ति को कोई हानि न पहुँचे, ये मेरी शुभकामना है, मेरी कामना है। और साथ ही उन लोगों के प्रति मेरी घृणा घृणा व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसा। सर शुक्रिया आपने हमसे बात की। आज हमसे बात कर रहे थे कांग्रेस के सर अध्यक्ष तौकीर अहमद, गौरव कांग्रेस।